हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, आप अपने आईफोन में या फिर आप अपने आईपैड में अपने मूड के हिसाब से या फिर आप अपने त्यौहार के हिसाब से या फिर आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से आप अपने आईफोन का या फिर आप अपने आईपैड का वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। गाइज, वॉलपेपर चेंज करने के बाद हमारा आईफोन या फिर हमारा आईपैड दूसरे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारा कूल हो जाता है। यानी कि आप अपने आईफोन में खुद का फ़ोटो भी सेट कर सकते हो, अपना खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यानी कि आपकी क्रश है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का भी फोटो लगा सकते हो या फिर मम्मी पापा का भी फोटो लगा सकते हो आप अपने आईफोन के वॉलपेपर में। तो भाई, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो सेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आईफोन में वॉलपेपर सेट नहीं कर पाते हैं। तो भाई, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करो क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने आईफोन में या फिर आप अपने आईपैड में कैसे वॉलपेपर को सेट कर सकते हो, खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह दो काम करना है। पहले तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और साथ ही पता चलता है हमारी वीडियोस कितने लोगों को पसंद आ रही है। एंड सेकंड काम ये गाइस कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं हो तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको पहले मिलेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हम अपने आईफोन के स्क्रीन पर।